Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications and this is absolutely free. Hello and welcome back to my channel Shop and Explore. I am Sapna and ye hone wala hai food vlog aur main aaj iske liye aayi hu Sita Ram Diwan Chand ke yahan jiske chole bhature bahut hi famous hai jisko legendary chole bhature kaha jata hai. Chaliye andar chalte hain aur wahan ke taste ko explore karte hain ki kaise hai uska taste. Let's go inside. वैसे तो दिल्ली में कई ऐसी जगहें हैं जहां से आप ये पंजाबी कुजीन यानी कि ये छोले भटूरे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक ऐसी जगह है जो कई सालों से अपने लेजेंडरी छोले भटूरों के लिए जानी जाती है, जिसका नाम है सीताराम दीवान चंद छोले भटूरे। ये छोले भटूरे इतने फेमस है कि ये कई प्रिंट मीडिया की सुर्खियां भी बन चुके हैं। साइकिल से शुरू हुआ ये स्वाद का सफर अब एक फूड आउटलेट में तब्दील हो चुका है। इतने सालों से क्वालिटी मेंटेनेंस की वजह से इन छोले भटूरों ने लोगों की जुबान और दिलों में खास जगह बनाई है। यही कारण है कि लोग दूर दूर से बार बार इनको चखने यहाँ आते रहते हैं। भटूरे की प्लेट एकदम रेडी है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी फूड एक्सप्लोर जर्नी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें दूसरे भटूरों की तरह टप टप करता हुआ एक्सेस ऑयल नहीं है, यही खास बात इसे दूसरे भटूरे से एकदम अलग बनाती है। तो इस 60 रुपीज की प्लेट में आपको क्या क्या मिलने वाला है चलिए मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये दो फ्लफी भटूरे मिलेंगे, उसके बाद इसके साथ सर्व किए गए हैं ये छोले, ऑब्वियस सी बात है, और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे मिंट की चटनी है और साथ में दिए गए हैं प्याज और यहाँ पे ये ग्रीन चिली और लेमन का अचार दिया गया है। भटूरे के अंदर भी आप देखेंगे कि स्टफिंग की गई है पनीर और कुछ स्पाइसेस की। फाइनली इसको टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं ये टेस्ट में कैसा है। बात की जाए इन छोलों की तो ये छोले ना ही ओवर कुक है और ना ही अंडर कुक, बिल्कुल परफेक्ट कुक है और इसमें यूज किए हुए खास मसाले इसके टेस्ट को और यूनिक बनाते हैं। और भटूरों की बात की जाए तो भटूरे एकदम सॉफ्ट और फ्लफी हैं जो इन छोलों के साथ बिल्कुल बैलेंस करते हैं। इन छोले भटूरों को अगर मैं रेटिंग देना चाहूंगी टेस्ट में तो मैं इसे टेस्ट में रेट करूंगी 10 out of 9। जब तक मैं फिनिश करती हूँ इन छोले भटूरों को, आइए जानते हैं यहाँ मौजूद कुछ लोगों से उनका इन छोले भटूरों के बारे में क्या कहना है। आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? 6-7 साल हो गए हैं यहाँ पर आते हुए। तो आप मुझे बताएंगे कि आपको ये छोले भटूरे कैसे लगे और इसमें क्या ऐसी खास बात है जो आपको इसमें सबसे अच्छा जो टेस्ट लगता है?
अच्छा अच्छा, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इसमें 10 में से रेटिंग देनी है तो आप कितने नंबर देंगे 10 में से? 9 नंबर, ठीक है। तो कैसे लगे सर आप? बहुत अच्छे लगे जी हमें। तो अगर मैं आपसे, तो जब आते हैं तो गुरुद्वारे बंगला साहब में थोड़े खा के जाते हैं। तो कितने साल हो गए? हाँ जी, हाँ जी, सीता राम जी के 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए, बहुत अच्छा बनाता है और ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ 10 में से रेटिंग देनी है, कितने नंबर देंगे आप? हम तो 10 में 10 देंगे जी। 10 में 10 देंगे, सर्विस काफी अच्छी है। यहाँ से आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और बाकी की सारी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये था मेरा फूड ब्लॉग वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अगर आपका कोई फ्रेंड फूडी है तो उसे शेयर जरूर कीजिए। इसके अलावा कोई सुझाव या फीडबैक हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के शॉपिंग और एक्सप्लोर से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ। इसके अलावा अगर आपको जानना है पहाड़गंज मार्केट के बारे में कि क्या और कहाँ मिलता है, तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। So that's it guys for today. I hope you liked my video and don't forget to subscribe my channel.